वेलकम स्टूडेंट्स अवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 7. वी आर डिस्कस अबाउट ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? वो ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री. अंडरस्टैंड, इससे हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है, दिस वन एच स्क्वायर जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं, बी मींस बेस, पी मींस परपेंडिकुलर. अंडरस्टैंड? नाउ ये एच क्या होता है? 90 डिग्री के आगे वाली साइड को, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं एच, मींस हाइपोटेनियस. शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन इसका हो गया एच. बी बेस जो नीचे की तरफ होता है बेस. पी परपेंडिकुलर जो सीधा खड़ा होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोटेनियस, व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर. इन तीनों साइड्स के अंदर, राइट एंगल की इन तीनों साइड्स के अंदर एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर. एच सबसे बड़ी होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है. अंडरस्टैंड? इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन पी क्यू आर इज ट्रायंगल. पी क्यू आर इज एक ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी. ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स हैं पी क्यू आर, तो विच वन इज 90 डिग्री वो उसने क्लियर कर दिया. क्या कर दिया? कि वो कौन सा होगा? पी होगा. अंडरस्टैंड? पी को 90 डिग्री पे रखा, क्यू और आर जैसे मर्जी रख सकते हैं. ओके, फर्दर ही सेड पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. पी और क्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर, और पी आर है 24 सेंटीमीटर. वैल्यू रख दी और क्यू आर पूछ लिया. मतलब आप ये मत सोचिए कि क्यू आर पूछा, उसने क्या पूछ ली इनडायरेक्टली? हाइपोटेनियस पूछ ली. ओके, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, रिलेशन लगाएंगे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस में. उसके बाद हाइपोटेनियस नहीं पता, एज इट इज़ रख दिया आर क्यू. बेस पता है 24 रख दिया, परपेंडिकुलर पता है 10 रख दिया. ओके, अब 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों को ऐड किया 676. उसके बाद 676 को लिख सकते हैं 26 का होल स्क्वायर. अंडरस्टैंड? स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या आ गया? 26. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ सिमिलर क्वेश्चन, ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल एट सी. सी क्या है? राइट एंगल. ए और बी, इसे भी बी दे सकते हो, इसे भी ये दे सकते हो, आंसर सेम आएगा. नाउ यूजिंग सेम रिलेशन, अब इन दिस क्वेश्चन बी सी इज फाइंड. बी सी मतलब बेस को फाइंड करना है. बेस की जगह हमने बी सी रख दिया और बाकी हाइपोटेनियस और पेंडिकुलर की वैल्यू रख दी. 25 की स्क्वायर 625, 7 की स्क्वायर 49. अब इन दोनों को ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का 576. ये होता है स्क्वायर 24 का. अब स्क्वायर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर. थैंक यू.